मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है। मुझे ऐसे लगता है कि जब एक औरत ज्वेलरी पहनती है तो वो अपने बदन को सजा रही है, वो अपने आप को सजा रही है, मेकअप की तरह, ज्वेलरी की तरह, यू नो, कपड़ों की तरह। एक शौक़ है डेफिनेटली, लेकिन आई ऑल्सो थिंक कि ज्वेलरी का नाता कुछ अपने एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स से भी होता है। तो कभी कभी आपका मूड भी बदल जाता है जब आप अच्छे ज्वेलरी पहनते हो। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन टू द ह्यूमन बॉडी एंड स्टोन्स एंड ऑल ऑफ दैट। मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ है बचपन से, क्योंकि मेरी नानी, मेरी मम्मी हमेशा हमें जब कोई बड़ा ओकेजन होता था ना, तो तिजोरी में से हमारे लिए कुछ छोटे छोटे डायमंड्स के निकलते थे और हमें बहुत शौक लगता था, बहुत अच्छा लगता था जब भी हम पहन के यू नो पूजा में जाते थे। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग डील यू नो उस ज़माने में जस्ट वेयर ज्वेलरी। नाउ ज्वेलरी बहुत कॉमन हो गया है, बहुत बड़े बड़े पीसेस हो गए हैं। इट्स ग्रेट, आई थिंक इट्स अ लवली थिंग, बट डेफिनेटली बहुत स्पेशल ओकेजन्स। मेरे लिए ज्वेलरी इज़ कनेक्टेड टू फैमिली, कनेक्टेड टू मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स। ये जो ज्वेलरी आपने पहनी है, हमें थोड़ा उसके बारे में जरा बताइए। ये मैंने अनमोल ज्वेलर्स का एक बहुत बेहतरीन डायमंड सेट पहना है। इट्स अ डायमंड चोकर विथ रूबीज और इज अ मैचिंग रिंग। ईयरिंग्स भी हैं, लेकिन मैंने ईयरिंग्स नहीं पहने क्योंकि मुझे चोकर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सिर्फ चोकर पहना है। एंड आई थिंक इट्स अ स्टनिंग पीस, बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। एंड जो स्टैंड आउट होता है कि यू नो कुछ बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट पीस जैसा पहना है मैंने आज। वेल एक्चुअली हम जूरी पे थे, तो हमने काफ़ी इनके डिज़ाइंस देखे हैं, हमने जज किए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल, बेहतरीन मेकिंग, बहुत अच्छी थी। यू नो इट्स कम अप, ज्वेलरी इज़ डेफिनेटली कम्पिटिटिव स्पेस हो गया है। तो अभी वो सिर्फ दो तीन ट्रेडिशनल ज्वेलर्स नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे नए टैलेंट निकले हैं एंड बहुत ही क्रिएटिव लोग निकले हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। जब भी मैं कोई ज्वेलरी लेती हूँ तो मैं डेफिनेटली मेकिंग का सबसे बड़ा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पीसेज आर सेट करेक्टली। क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए ज्वेलरी में, सो इट्स क्वालिटी ऑल द वे। इसके अलावा जाते आते 15 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, इंडिपेंडेंस डे भी है, तो क्या कुछ स्पेसिफिक तैयारियाँ होती हैं रक्षाबंधन की आपकी तरफ से? मेरे फैमिली में ज़्यादातर बहनें हैं और मेरी जो भाइयाँ हैं सब डैडी के साइड से हैं, तो सब बंगाली हैं। तो ज़्यादातर हम रक्षाबंधन नहीं मनाते, भाई दूज मनाते थे बचपन के टाइम पे। तो आई थिंक हमारा प्रेपरेशन इज़ जस्ट दैट मम्मी, मॉम यूज़ टू सेलिब्रेट, मम्मी अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती थी। आई वॉन्ट टू विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। I believe in my country, I love my country, and I'm proud to be an Indian. कांगड़ा में दिख रहा है ना, इधर तक आ गए, उन्हें कितना चाहिए?
I'm very excited to be here. I think any girl in the world would be very excited to be here. After tonight, considerably more. I've seen some of the most beautiful pieces I think I've ever seen in my life. And yeah, I think very much a jewelry person. I'm so sorry, sir, I couldn't hear. Yeah, I remember my mom always had one cross that she used to always wear and that she gifted slash maybe I took from her when I turned 18. I'm wearing Anmol. Everything. All. The status is pre-production. So we're in prep now. Shooting is going to start. We're just in prep right now. And shooting will start in about 2 months, maybe. Okay, which types of kirdar you are playing? Which types of role you are playing in the film? You know what? I'm not sure what I'm allowed to say about my character, so I'm going to say nothing and play it safe. And how was the experience with Ayush and you? No, shooting hasn't started yet. But we did shoot together for the announcement, and so far the experience has been fab. He's a really nice guy, super fun to work with, and I'm really looking forward to shooting with him. And you, your sister Katrina, can Hindi very well. So you learn Hindi? And yes. Speaking, so tell us a little about. Learning, speaking, working on it. Okay. That's it. Oh, thank you guys so much. Thank you. Hello everyone, we meet again. Pictures? ज्वेलरी मैं बहुत पसंद करती हूँ, काफ़ी पसंद करती हूँ, लेकिन ज्वेलरी का जो शौक़ है मुझे शादी के बाद ही हुआ है. उससे पहले उतना शौक़ नहीं था. एंड आई थिंक हर लड़की, हर औरत की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है व्हेन यू स्टार्ट लविंग ज्वेलरी एंड ग्रेजुअली आप अक्यूमुलेट करते जाते हो. सो आई थिंक इट हैपन्स इन एवरी वुमन्स लाइफ इवेंचुअली. रिटेल ज्वेलर इंडिया अवार्ड्स ये ऐसा पहला अवार्ड है, पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ से इंडिया के, भारत के 70 सिटीज़ में से ज्वेलर्स आते हैं और उनकी ज्वेलरी जो है
वो एक छत के नीचे पेश करते हैं एंड देन आउट ऑफ दोज काफ़ी पीसेस सिलेक्ट होते हैं एंड देन ऑफकोर्स द बेस्ट पीसेस आर अवार्डेड. बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. जैसे हमारे फिल्मों में अवार्ड्स हैं वैसे ही दिस इज़ अनदर अवार्ड फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री. अनकट पोल की डायमंड्स पहने हैं मैंने रूबीज़ के साथ. ये अनमोल ज्वेलर्स के हैं और मैं अनमोल ज्वेलर्स को काफ़ी पसंद करती हूँ. आई लव देयर डिज़ाइंस और आई विश देम गुड लक इन दिस अवार्ड एज वेल. आने वाले दिनों में मेरे 3 वेब सीरीज़ हैं. उसमें से एक वेब सीरीज़ एक नए OTP प्लेटफॉर्म के लिए है, एक वेब सीरीज़ बालाजी ओल्ट के लिए है और एक वेब सीरीज़ अभी मैं शूट करने जा रही हूँ. इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो फिल्मों के हैं. इसके पहले भी मैं बोल चुकी हूँ जो अगले 6 महीने में शूटिंग उसकी स्टार्ट होगी और आई डोंट थिंक आई कैन स्पीक अबाउट इट मच क्योंकि मुझे बोला गया है नॉट टू टॉक अबाउट इट. लेकिन बहुत जल्दी आप मुझे You'll see good enough of me. Thank you. स्वतंत्र भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन है. बस मैं इतना समझती हूँ कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी जो कीमत असली में होनी चाहिए हम यंगस्टर्स को, हमारे इस जनरेशन को इतना पता नहीं है. वो उन्हीं लोगों को पता है जो उस दौरान लड़े हैं या उस दौरान उन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम उन्होंने जो वो दौर जिया है ओनली दे आर अवेयर ऑफ इट. आई थिंक यू शुडंट टेक योर इंडिपेंडेंस टू लाइटली. बी अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और जो भी आप कर सकते हो एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ अ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन. उसको आप ये मत समझिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता. अच्छा नागरिक बनिए और दैट्स हाउ यू कैन हेल्प योर कंट्री. जय हिंद जय महाराष्ट्र. हाय दिस इज़ ईशा कोपिकर और मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से मैं स्वतंत्रता दिवस पे विश करती हूँ. जय हिंद जय महाराष्ट्र. मैंने बिल्कुल नहीं पहनी. मैंने सोचा जो यहाँ पसंद आएगा वो ले लेंगे. आई एम नॉट टू मच ऑफ अ ज्वेलरी पर्सन. अगर मैं शूट पे नहीं हूँ या मैं इवेंट पे नहीं हूँ ऑन माई एवरी डे यू विल नेवर सी मी विद ज्वेलरी. इफ आई डू लाइक रिंग्स, लाइक आई एम अ फैन ऑफ रिंग्स एंड चोकर्स एंड वेरी मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी. But otherwise, I like pole keys. I really like pole keys. देखो depend करता है ना. But if it's diamond, then you have to see the 3 C's. And but मुझे pole key पसंद है. I'm not too much of a gold and diamond person unless it's a ring, unless it's solitaire.
एंड पोल की हो तो यू नो आई थिंक सभ्या डिज़ाइन आर वेरी नाइस, देयर आर लॉट ऑफ डिज़ाइन, लॉट ऑफ लवली पीसेज दीज डेज. सो या मीटिंग पे स्पॉट किया था आपने मुझे जी, क्या मतलब अनाउंसमेंट यहाँ करूँगी ज्वेलरी अवार्ड पे? नेक्स्ट मूवी के लिए आई हैव फाइनलाइज्ड अ मूवी, आई विल अनाउंस इट वेरी सून. मैं पहनना पसंद नहीं करती, मेरे को जिस दिन मन करे मैं उस दिन पहन लेती हूँ, और मुझे जिस दिन अपने आप को खरीदना हो मैं अपने आप को खरीद के अपने आप को गिफ्ट दे देती हूँ. कल से शुरू है, सो आई एम गोइंग टुमारो मॉर्निंग फॉर द शूट. ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड, वर्किंग विद शंकर सर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी हैप्पी. ये एक पेरिस डिज़ाइनर है, पेरिस डिज़ाइनर है, उनका आउटफिट है. आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस डे, आई मीन नॉट वर्किंग शूट बट आई हैव वर्क, बट आई एम टेकिंग अ हॉलीडे आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, मतलब उस रात को 15th को आई एम टेकिंग अ 4-day हॉलीडे. जी रक्षाबंधन इस बार पहली बार मैं और मेरे भाई साथ में नहीं होंगे राखी पे, बिकॉज मैं बॉम्बे में होंगी और मेरा भाई वो भी शूट कर रहा है, वो वाइजैक में होगा, तो इस बार पहली बार हम लोग साथ में नहीं होंगे राखी पे. आई लाइक टू विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड दिस इंडिपेंडेंस डे लेट्स अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड लेट्स गिव ईच अदर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. थैंक यू. थैंक यू.